हेलो गाइस, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक ड्यो है गाइस, यहाँ पे बॉडीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका काम क्या है, इवन गाइस यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डायनेमिक ड्यो जो है अगर आप करते हो तो आपको रिवार्ड्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, फ्री में नेम चेंज कार्ड मिलेगा। और गाइस यहाँ पे 2024 में इसको आप कैसे कम्प्लीट करोगे या फिर गाइस कितना पॉइंट कैसे मिलेगा, इस वीडियो में बने रहना, आपको मैं बता दूंगा विद इन यहाँ पे 1 to 2 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डिजोल्व कभी भी नहीं करना है। डायनेमिक ड्यो हम जो फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो अलग से इंटरफेस आता है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करने का ऑप्शन आता है, बट अगर वही बंदा रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है जिसके पास यहाँ पे वेपन रॉयल के अंदर जो एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, यहाँ पे अगर ओवन लिखा आ गया तुम्हारा तो इसका मतलब ये है कि गोल्डन वाव बॉक्स तुम्हारे पास है तो तुम डायनेमिक ड्यो बना सकते हो। अपना फ्रेंड लिस्ट में जो भी बंदे हैं उनमें से किसी को भी यहाँ पे डायनेमिक ड्यो के यहाँ पे एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, फिर वो बंदा यहाँ पे आएगा और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा और लेवल 1, 2, 3, 4 नीचे के रिवार्ड ले पाओगे। एक वीक के अंदर यहाँ पे जो 100 पॉइंट ही बढ़ेंगे। अब देखो 101 पे मेरा लेवल 2 हो जाएगा, बट ये नेक्स्ट वीक होएगा। ऐसे गाइस मेरे को नेम चेंज कार्ड लेने के लिए लेवल 3 करना है जो कि 300 पॉइंट के बाद होएगा। 301 आई थिंक आपको पॉइंट करने पड़ेंगे। और गाइस 3 वीक में मैं फ्री में नेम चेंज कार्ड भी यहाँ से ले सकता हूँ। तो सबसे पहले डायनेमिक ड्यो का बॉक्स चेक करना है। इसके अलावा कोई डायमंड टॉप अप करता है तो वो सीधा आइटम में जाके भी खरीद सकता है इस कार्ड को, जो कि ये है गोल्डन वाव बॉक्स, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे नेम चेंज कार्ड 390 डायमंड का खरीद सकते हो। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे एक और पॉइंट है कि डायनेमिक डो तुमने बना लिया, 100 पॉइंट एक वीक में मिल गया, तो नेक्स्ट वीक में कब से बढ़ेगा? तो गाइस अगले वीक के मंडे को ये शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएंगे, आप यहाँ पे पॉइंट और इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, 100 के बाद 200 मंडे से, आप चाहे तो मंडे के मंडे खत्म कर सकते हो 100 पॉइंट, और आप चाहे तो यहाँ पे मंडे टू संडे भी 100 पॉइंट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट वीक का वेट करो। तो इस तरीके से एक एक वीक में यहाँ पे 100 पॉइंट आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो अपने डायनेमिक ड्यो के। और याद रखना तुम यहाँ पे बीआर रैंक या सीएस रैंक खेलोगे ना तो ही यहाँ पे पॉइंट बढ़ेंगे, और एक गेम में आई थिंक आपके 8 से 9 पॉइंट बढ़ते हैं। ठीक है, और न्यू बंडल भी आपको वैलेंटाइन के दिन देखने को मिल जाएगा, वो कैसे हम जो किसी और दिन वीडियो में जिक्र करेंगे। आई होप आपको मैंने सारी डिटेल बता दी होगी। काफी बंदे बोलेंगे कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट वीक भी होगा फिर भी फ्रीज का फ्रीज पड़ा। देखो मेरे साथ भी एक बार हुआ था फ्रीज, तो तुमको डायनेमिक ड्यो जोल या डिसबैंड करना पड़ेगा, तो उस केस में गाइस आपको यहाँ पे दोबारा से ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मस्त तरीका ये है, देखो यहाँ पे डिजोल्व पे टैप करोगे तो काफ़ी टाइम लगा देगा ये डिजोल्व होने में, तो जो तुम्हारा फ्रेंड है उसको डिलीट करके वापस से यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीटेड मिल जाएगा डायनेमिक ड्यो। ठीक है, और अगर अपने उस फ्रेंड को डिलीट कर दोगे तो डायनेमिक टूट जाएगा, तो याद रखना डायनेमिक ड्यो टूट सकता है। शो ऑफ माई बॉडी यहाँ पे आपके प्रोफाइल होते हैं, तो इस पे यहाँ पे एक आइकन सा छपा देखने को मिलता है, अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो किसी को पता नहीं लगेगा कि मेरा डायनेमिक ड्यो है या नहीं है। तो बस यही कुछ यहाँ पे पॉइंट्स थे, आई होप आपको जो अच्छे लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, एंड न्यू आर यार सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को भी साथ में यार सब्सक्राइब के ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाकी यार कमेंट में ये बताना कि गाइस तुमने डायनेमिक ड्यो बना रखा है तो कितने पॉइंट तुम्हारे होके रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले एक चीज दिखा देता हूं तुमको, यहां पे तुमको भी अच्छा लगेगा, नेम चेंज कार्ड तुम्हारे भाई के पास 4 पड़े जो कि डायनेमिक ड्यो से लिए है। सी यू, लव यू गाइस।